बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ और जमहूरी काबीना की हदायत है कि पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पूरे मुल्क में सैलाब से मुतासर शुदा बिजली के निजाम को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। अल्लाह ताला के करम से हमें इस मिशन में कामयाबी हासिल हुई है। सिंध और पंजाब में चंद के अलावा तमाम फीडर और ग्रिड बहाल कर दिए गए हैं। शहरों में निकासी आब की मोटरें 24 घंटे चल रही हैं। बारिश की वजह से जिन ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा था इनमें से अक्सरियत को तब्दील कर दिया गया है और बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द तब्दील कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में मुतासर अजला के अलावा बिजली का निजाम अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ट्रांसमिशन के खंभे सैलाब में बह जाने के बायस बिजली पहुंचाने में रुकावट है। वजारत दवानाई के इदारे NHA के ताबुन से इन तरसीली लाइनों को बहाल करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तवक्को है कि बलूचिस्तान के बड़े इलाके को बिजली की तरसील आइंदा चंद दिनों में बहाल कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में तेज सैलाबी रैली के बायस बिजली की बहुत सी तनसीबात बह गई हैं, जिनकी असरन व तनसीब के लिए वजारत तवानाई पूरी तनदही से कोशा है। मेरे भाई और बहनों, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सैलाब जदगान की झोंपड़ियों में जाकर उनके सरों पर शफकत का हाथ रखा है। इसी कौमी जज्बे के तहत वजारत तवानाई पाकिस्तानियों की तकलीफ दूर कर रही है। आपसे दुआ की अपील और अल्लाह ताला से रहमत की इस्तदा है कि वो हमें सैलाब जदगान की दादरसी में कामयाबी अता करें। आमीन। पाकिस्तान पाइंदा।